नीचे भी देख सकते हो गाइस कितनी सारी मिट्टी हो गई है कि कैसी लग रही है अब। फर्स्ट टाइम फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा मॉड्यूल C2 के साथ, तो गाइस बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था करने का। तो अब राइड करके देखते हैं एंड क्या इसमें धूल चिपती है कि नहीं। हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज आई होप आप सब ठीक होंगे। तो गाइज आज की वीडियो के बारे में आपने टाइटल और थंबनेल में तो देख ही लिया होगा। तो गाइज आज करने वाले हम अपनी बाइक NS की चेन ल्यूब एंड आपको अच्छे से बताएंगे कि कैसे करते हैं एंड किस प्रोडक्ट का हम यूज़ करेंगे, वो भी आपको मैं सब कुछ दिखाऊंगा। तो गाइज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको अच्छे से पता लग सके कि आप अपनी बाइक की चेन ल्यूब एंड क्लीन कैसे कर सकते हो। तो गाइज ये रही अपनी बाइक NS 160 एंड जिस का हम यूज़ करने वाले प्रोडक्ट वो है एक डीजल, जो कि हमने इतना सा लिया हुआ एंड इसकी बोतल के ऊपर हमने छेद किया ताकि हम अच्छे से हम कर पाए ल्यूब क्लीन। एंड ये है गाइज हमारे पास मोटुल का लुब्रिकेंट मोटुल C2। तो गाइज इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा एंड इसका प्राइस है 500 रुपीज़। और गाइज ये रहा ब्रश जिसकी वजह से हम चेन क्लीन करेंगे एंड बहुत इजी रहता है इसके साथ चेन क्लीन करना, तो अभी देखते हैं। तो हमने अपनी बाइक करी अभी यहाँ पर पार्क। तो गाइज यहाँ देख सकते हो अपना बिजनेस टमाटर लगाए हुए गाइज एंड ये अपना घर है ऊपर को। तो गाइज हमने अपनी बाइक को मिडल स्टैंड पर लगा दिया है। तो आप चेन की मतलब कंडीशन देख सकते हो कितनी गंदी हुई हुई है। आपको मैं जूम करके थोड़ा दिखाता हूँ, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। तो गाइज आजकल जैसे बारिश का मौसम है तो उसकी वजह से चेन हमारी बहुत गंदी हो चुकी है, इतनी गंदी कंडीशन हुई हुई है। तो अभी हम इसको क्लीन करते हैं अच्छे से। जो सबसे पहला स्टेप है वो है साफ करना डीजल से। तो मैं फर्स्ट टाइम कराऊंगा, इस फर्स्ट एक्सपीरियंस है तो आपके साथ शेयर करूंगा। तो गाइस अभी हम कर रहे हैं इसको डीजल मार रहे हैं इस पे। तो गाइस अभी हमने इस पे डीजल लगा दिया है, तो आप देख सकते हो नीचे धूल मिट्टी जो भी है सब कुछ अपने आप गिर रही है। तो देख सकते हो कितना इसमें गंदा था। अभी हम इसको ब्रश की मदद से करेंगे क्लीन, जो भी इसमें मिट्टी फंसी हुई है वो हम इसको निकालेंगे, बाकी जो इजीली निकल गई वो तो निकल गई है डीजल की वजह से। तो गाइस अभी इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा है, निकलने में काफ़ी मुश्किल हो रही है एंड ब्रश का हाल आप देख सकते हो। तो अभी कर लेते क्लीन, फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस अभी मार को करनी पड़ी बाइक स्टार्ट, क्योंकि गाइस एक हाथ से धक्का मार के और एक हाथ से साफ करके नहीं हो रही। तो गाइज ब्रश से साफ़ करते करते हो गया ये सीन आप देख सकते हो। और गाइज ये मेरी गलती से हुआ है, मैंने गाइज बाइक स्टार्ट करने का जो सोचा ना बाइक स्टार्ट करके जो मैं चेन साफ़ करूँगा, उससे हुआ ऐसा कि ये गलती से इसमें फंस गया और ये इसके साथ घूम के और ये भाई अलग हो गया ऐसा। तो गाइज आप ऐसे बाइक स्टार्ट करके बिल्कुल भी ट्राई मत करना, फिंगर्स भी इसमें घुस सकती है, ख़त्म मतलब अलग हो सकती है। तो इसलिए बी सेफ़ और ब्रश अच्छे से करना, जैसे कि मेरा साथ हुआ तो आप ऐसे मत करना। तो अभी इसको कैसे ना कैसे करके कर देते साफ। तो गाइज आपको करना क्या है, जो यहाँ से आपका फ्रंट स्प्रॉकेट होता है उसको आप अगर यहाँ से इसका कवर खोल सकते हो तो आपकी चेन ज़्यादा अच्छे से क्लीन होगी। मेरे पास तो वो टूल नहीं था तो मैं नहीं खोल पाया। एंड आपको गाइज करना क्या है, जो स्प्रॉकेट है वो भी अच्छे से आपको साफ़ करना है। इसको स्प्रॉकेट बोलते हैं अंदर जो गोल है, तो इसको स्प्रॉकेट बोलते हैं। आपको इसको अच्छे से साफ़ करना है एंड चेन को भी आप देख सकते हो इसके अंदर मिट्टी है। तो इसको मैं साफ़ करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इतनी गंदी आप मत होने देना। अब मेरे को साफ़ करने में बहुत ही दिक्कत होती है, जैसे कि हो रही है अभी, फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ मैं घर में। तो गाइस इतनी गंदी मत होने देना। One hour later. अभी हमने चेन को कर दिया है बिल्कुल अच्छे से क्लीन। तो आप हाथ के हाल देख सकते हो क्या हो गए हुए है, तो ना हाथ के हाल हो गए एंड आप नीचे भी देख सकते हो गाइस कितनी सारी मिट्टी हो गई है। एंड गाइस मैंने बाइक धोई थी और रियर टायर साफ़ किया था लेकिन अब बिल्कुल गंदा हो गया है। तो गाइज आपको मैं आप चेन दिखाता हूँ पहले क्या थी और अब क्या हो गई है। तो गाइज बिल्कुल अच्छे से हमने क्लीन कर दी है, देखते हैं और कितनी साफ़ लग रही है, पहली बार देखी इतनी साफ। तो अभी हम इसको पानी से धोते हैं। तो गाइज फाइनली हमने चेन को अच्छे से क्लीन कर दिया है एंड बहुत बुरी हालत हो गई है भाई चेन साफ़ करते हुए। एंड मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि हमने कितनी अच्छे से साफ़ करी है अब एंड बिल्कुल प्रेशर से पानी से बिल्कुल साफ़ कर दिया है। तो गाइज कभी भी इतनी गंदी मत होने देना गाइज, बहुत टाइम लगता है, मैं कुछ मतलब आधे घंटे से ज़्यादा हो गया मेरे को साफ़ करते हुए इसको, लेकिन ये क्लीन नहीं हुई अच्छे से। लेकिन अब फाइनली हमने क्लीन कर दिया एंड अभी इसको हम आपको दिखाते हैं कि इसको कैसी लग रही। तो गाइज देख सकते हो आप, अब आया असली चेन का कलर सामने।
एंड ये भी इसमें कुछ कलर था पहले से, एंड ये कभी दिखता नहीं था, इतनी गंदी थी चेन। तो गाइस सोच लो आप कितनी गंदी थी। एंड पूरा स्प्रॉकेट हमने साफ़ किया एंड चेन साफ़ की, तो आप देख सकते हो कितनी अच्छे से हमने साफ़ करी है। अभी हम इसको बिल्कुल अच्छे से सूखने देंगे। तो गाइस मैं आपको एक यही सजेशन देता हूँ कि आप अपनी बाइक को रात को ल्यूब करें, क्योंकि आपको जब आप ल्यूब कर देते हो उसके बाद कम से कम मतलब एक दो घंटे तो आपकी बाइक खड़ी रहनी चाहिए, जिससे कि आपकी जो ल्यूब्रिकेंट है वो अच्छे से आपकी चेन में लग जाए। तो गाइस बस यही मैंने आपको बताना था। वेट करते हैं चेन का ड्राई, उसके बाद हम ल्यूब करेंगे। 1 hour later तो भाई अपनी बाइक रेडी हो चुकी है अब चेन ल्यूब करने के लिए बिल्कुल। एंड इसकी वॉशिंग करके हमने बिल्कुल पॉलिश मार के आप देख सकते हो कितनी चमक रही है अपनी बाइक, बिल्कुल नई जैसी लग रही है। आपको मैं थोड़ा सा मतलब वॉक अराउंड सा दे दूँ, तो गाइस देख सकते हो आप बिल्कुल मैंने क्लीन कर दी है। एंड अभी तैयार है इसका लुब्रिकेंट, तो मैं आपको एक बार चेन की कंडीशन दिखा दूँ जो हमने क्लीन करके करी है। तो गाइस देख सकते हो आप बिल्कुल क्लीन है। तो अभी हम करने वाले हैं इसमें ल्यूब, तो पहले बाइक को करते हैं न्यूट्रल। तो गाइस हम रेडी है करने के लिए ल्यूब, तो मैं भी फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ गाइस, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। आप कोशिश करना कि आप ल्यूब कोशिश क्या करना, आप करना है ल्यूब यहाँ पर जो इस साइड में आप देख रहे हो, ये साइड में यहाँ पर हमारे ओरिंग होते हैं, तो इसको आप इस यहाँ जैसे करना है बिल्कुल। तो गाइस अभी अच्छे से नहीं हो रही मेरे मतलब एक हाथ से, और वीडियो बनाने वाला कोई नहीं, तो मैं अभी इसको ल्यूब कर लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ, फिर आपको बताऊँगा कि कैसे कैसे क्या करना है। तो भाइयों कर दिए हमने अपनी बाइक की चेन क्लीन एंड ल्यूब पूरी। तो गाइस मैं आपको अच्छे से एक बार लास्ट बार दिखा देता हूँ कि कैसी लग रही है अब, आई होप आपको अच्छे से दिख रही हो। बिल्कुल अच्छे से हमने इसको ल्यूब कर दिया है। तो गाइस ऐसे ही आप भी अपनी बाइक की चेन ल्यूब कर सकते हो। एंड अगर आप ऐसे अपने बाइक साथ छोटे छोटे काम खुद करोगे तो गाइस मतलब बाइक के साथ मतलब आपकी थोड़ी प्यार बढ़ जाएगा, ऐसा सच में होता है, करके देखना, राइडर्स जानता होगा कि आप अपनी बाइक के साथ अगर छोटा छोटा कुछ वॉशिंग वगैरह अगर ऐसा भी करते रहोगे ना तो गाइस प्यार बढ़ता रहेगा बाइक के साथ। एंड राइडर की मतलब एक पहचान ऐसी होती है कि थोड़ा बहुत काम खुद कर लेता है। तो गाइस इस जो भी मैंने प्रोडक्ट यूज़ किए ब्रश एंड मोटुल का C2, इसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। डीजल का तो नहीं दे सकता, वो आप कहीं से भी ले लेना। तो आप मोटुल का C2 भी ले सकते हो एंड डीजल भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप अपनी मर्जी से, वो दोनों एक ही काम करते हैं, C1। तो गाइस फाइनली बिल्कुल क्लीन हो गई भाई। गाइस बहुत गंदी थी ये चेन मेरे, अभी भी मैंने 10 मिनट से मतलब किसी डंडे से साफ़ करा था, इसके अंदर जम गया था। और गाइस एक बात का ध्यान रखा, कभी भी यूज्ड ऑयल होता है, जो यूज्ड इंजन ऑयल होता है, उसे कभी भी अपनी चेन साफ मत करना गाइस, मैं आपको मतलब रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूँगा, एंड बिल्कुल गलत है ये। तो गाइस अभी हमने कर दी अपनी बाइक की चेन ल्यूब, फर्स्ट टाइम फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा मोटुल C2 के साथ। तो गाइस बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था करने का, तो अब राइड करके देखते हैं एंड क्या इसमें धूल चिपकती है कि नहीं, तो अभी हम वो सब कुछ देखते हैं एंड आपको बताते रहेंगे कमेंट करके। तो गाइस अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो एंड गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। गाइस सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। कीप स्माइलिंग, स्टे पॉजिटिव एंड राइड हार्ड।